आप सभी कैसे हैं। अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाई स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो अभी हम डिवाइड करने वाले हैं 5 में 313 का, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी संख्या का डिवाइड करना होता है किसमें, इससे पहले लिखी हुई संख्या में। तो यहाँ पर हम 313 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या यह बड़ी है? नहीं है तो एक काम कर सकते हैं, पॉइंट लेंगे और इसके साथ जीरो लिख देंगे। क्या आप बड़ी है? अभी भी नहीं है तो फिर ध्यान रखें डिवाइड में एक टाइम हम केवल एक स्टेप ही करेंगे। पॉइंट लिया, जीरो लिख दिया, एक स्टेप हो गया। बड़ी नहीं आती तो फिर डिवाइड जीरो बार जाएगा, ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, समझे। फिर हमने इसको घटाना है। अब चूंकि पॉइंट लगा रखा है तो हमारे पास क्या अथॉरिटी है, क्या पावर है, घटाते जो संख्या आएगी इसके साथ एक जीरो लिखना है। कितना बन गया, 500। ये आप देख सकते हैं 313 से बड़ा है। अब हम इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि आपका इससे बड़ा ना है। इसको हमने गुणा किया 313 को 1 से, तो भाग गया 1 बार, कितना आ रहा है 313। इसको हमें यहाँ लिखना और घटाना है, कितना आ गया 7, 8 और 1। फिर पॉइंट लगा रखा है, इसके साथ जीरो लिखेंगे, ठीक है। अब इसको जैसे हम गुणा करते हैं किससे, 5 से, फिर हमने इसको घटा दिया, कितना आ गया 5, 0 और 3। पॉइंट लगा रखा है इसके साथ जीरो लिखेंगे। अब इसको जैसे हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये क्या आ गया, भागफल। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी इस वीडियो में 5 / 313 किया, कितना आ गया 0.0159 आ गया, ठीक है। और इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहता है।